मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा ज़िला है, आसपास इतने ज़िले हैं, जितना हमारा पूरा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। क्या बात करते हैं आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताए कौन राजनीति में लाए, कौन राजनीति में आप ये भी जान रहे हैं? IAS था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी और कहां से कहां बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हम बोलता है उसके बोलने का कोई मतलब है? बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया, लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे, अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है, वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है, पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है, वही हाल है अपने देश में। जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन गलत बात है, तो कोई झूठा है तो बोलने नहीं देते उसको।